नमस्कार, जेएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी के भीम स्टेडियम में। भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मिनी क्यूबा कहा जाता है बॉक्सिंग के कारण, मिनी क्यूबा कहा जाता है। हरियाणा में भिवानी में सबसे ज़्यादा बॉक्सर हैं और आज हम बात करते हैं बॉक्सिंग क्लब कोच के विष्णु सर से कि उन्होंने भिवानी को मिनी क्यूबा में कितना सहयोग दिया, उनके द्वारा अब तक कितने खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेंड किया है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। नमस्कार जी, मैं विष्णु बोगान, बॉक्सिंग कोच, भीम स्टेडियम, हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट। देखिए, यहाँ पहले भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, उसके बाद भिवानी को चौधरी बंसीलाल के नाम से जाना जाने लगा, उसके बाद चौधरी वीके सिंह, जनरल वीके सिंह के नाम से भिवानी को जाना जाने लगा। उसके बाद जैसे ही बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की उपलब्धि, विजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार और नवीन कुमार, परमजीत समोता, विकास कृष्ण यादव, नमन तंवर, अमन तंवर, ब्रिजेश यादव जैसे अनेकों ऐसे खिलाड़ी जो भिवानी से तैयार हुए, जिनके कारण आज भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ सैकड़ों खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। हमारे यहाँ 10 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। आपको कितने साल हो गए सर कोच? मेरे को 20 वर्ष हो चुके हैं यहाँ भिवानी में काम करते हुए। अब तक आपने कितने खिलाड़ियों को नेशनल इंटरनेशनल तक? मैंने यहाँ कम से कम 50-60 इंटरनेशनल और सैकड़ों खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए हैं। और जिसमें मुख्य रूप से जितेंद्र कुमार भी मेरे ट्रेनिज रहे हैं, विजेंद्र कुमार मेरे ट्रेनिज रहे हैं, दिनेश कुमार अर्जुन अवार्डी और अखिल कुमार, परमजीत समोता, विकास कृष्ण यादव अर्जुन अवार्डी, टू टाइम ओलंपियंस, थ्री टाइम एशियन मेडलिस्ट, टू टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, और ब्रिजेश यादव जो अभी हाल ही में, ब्रिजेश और नमन तंवर जो मेरे ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट रहे हैं, जो अभी हाल ही में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए अभी थाईलैंड बैंकॉक में 17 से 27 अप्रैल को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ आती हैं ट्रेनिंग? मैं हमारे पास यहाँ 20 के करीब लड़कियाँ आती हैं और 100 के करीब, अभी तो एग्ज़ाम टाइम है इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 100-150 के करीब बच्चे प्रतिदिन अभ्यास करने मेरे पास आते हैं, जिनमें से अभी लेटेस्ट हिंदुस्तान की जो इंडिया टीम 17 से 27 अप्रैल को थाईलैंड बैंकॉक में भाग लेगी, एशियन चैंपियनशिप में भाग लेगी, उसमें मेरे प्रशिक्षण केंद्र के 2 खिलाड़ी अमन तंवर हलवाश और ब्रजेश यादव सिद्धरावली से यहाँ ये मेरे ट्रेनिंग सेंटर के भाग लेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का नाम विश्व स्तर पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित करेंगे। बॉक्सिंग गेम को ही क्यों चुना सर? देखिए, मैं पहले बॉक्सिंग करता था और मैंने 86 में बॉक्सिंग शुरू की और उसके बाद 94 तक मैं खुद खिलाड़ी रहा, और उसके बाद मैंने 94 में डिप्लोमा किया, कोचिंग डिप्लोमा, 99 में उस 96 में यहाँ मैंने कोचिंग शुरू की, कोचिंग का कार्य शुरू किया। 99 में हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए कोच, बॉक्सिंग कोच, मैंने यहाँ अपना प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया। आपको बॉक्सिंग, मतलब कि बॉक्सिंग तक, यहाँ तक इस लेवल तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए मैडम, खेल जीवन संघर्ष का नाम है, कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं। मेरा काम है, हरियाणा सरकार ने जिस कार्य के लिए मेरे को यहाँ नियुक्त किया है, मैं उस कार्य को ईमानदारी से कार्य करूं और देश का नाम ऊंचा हो ऐसा कार्य करूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक प्राप्त करता है और तिरंगा राष्ट्रीय गान वहाँ विश्व स्तर पर गाया जाता है, तो मेरा सीना फूल जाता है इसी उम्मीद के साथ कि भारत में अगर कहीं खिलाड़ी हो, कोई भारत की टीम जाए और मेरे प्रशिक्षण का केंद्र का खिलाड़ी ना जाए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसी कैसे करते हैं? देखिए, लड़कियां भी लड़कों की तरह से ही अभ्यास करती हैं, आज नारी शक्ति अब पुरुष वर्ग से भी आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार हम लड़कियां, जैसे लड़कियां आती हैं उनको अभ्यास कराते हैं, शुरू में ABCD सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन खिलाड़ियों को तैयार ऐसे नहीं किया जाता,
एक सिस्टम बनाया जाता है, एक टेक्निक, एक शेड्यूल बनाया जाता है इनका प्रॉपर, उसके हिसाब से प्रतिदिन अलग अलग शेड्यूल किया जाता है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। उन सर वास्तव में क्या बच्चों को जैसे पौधे को सींचा जाता है, खिलाड़ियों को भी उसी प्रकार से? बिल्कुल निश्चित रूप से खिलाड़ियों को भी ऐसे पौधे की तरह, जैसे बच्चों की खिलाड़ी पौधों की नर्सरी लगाई जाती है, ऐसे ही छोटे बच्चों को की भी नर्सरी लगाई जाती है, उनको भी ABCD सिखाया जाता है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया जाता है, ये हाथ सीधा करिए, ये हाथ ऊपर करिए, ये स्टेप आगे लीजिए, ये पैर दोनों इकट्ठे मत कीजिए, आप हाथ ऊपर उठाइए, गार्ड रखिए, आगे चलिए, पीछे चलिए, दाएँ चलिए, बाएँ चलिए, ये सभी चीज़ें टाइम टू टाइम सभी बच्चों को बताई जाती हैं, जिससे कि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया जा सके। और मेरी उम्मीद रहती है कि मेरे पास प्रशिक्षण प्राप्त जो भिवानी में जितने भी खिलाड़ी जिस टाइम में 99 में जब से मैं कोच लगा हूँ, मेरे को गर्व है इस बात का कि जो खिलाड़ी 99 के बाद विश्व स्तर पर भिवानी का खेला है, उसने मेरे से ट्रेनिंग की है, इस बात का मुझे गर्व है। सर, क्या खिलाड़ियों को जातिवाद में देखा जाता है या उसकी काबिलियत को देखा जाता है? देखिए, खिलाड़ी किसी भी जाति के, जैसे गरीबी जाति देखकर नहीं आती, उसी प्रकार खिलाड़ी का टैलेंट देखा जाता है, न कि जाति के आधार पर देखा जाता है। टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, उसी वो जाति देखकर नहीं आता। जो खिलाड़ी टैलेंटेड होता है, कोच उसी को पकड़ता है, उसी को की तरफ अपना ध्यान देता है, ध्यान बढ़ाता है। जो बच्चा किसी चीज़ में असमर्थ होता है, किसी भी खिलाड़ी में, जैसे कि बॉक्सिंग में कोई भी ये ग्लव्स आते हैं, तो सरकार किस प्रकार की मदद करती है? देखिए, सरकार सामान भेजती है खेल का, हम खिलाड़ियों को सामान देते हैं और उन्हीं खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं कि वो खिलाड़ी आगे बढ़े, उनकी किस प्रकार में दे। कई खिलाड़ी गरीब घर से भी होते हैं, लेकिन अगर टैलेंटेड होता है तो समाज में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि उनकी मदद करते हैं। ऐसे हम सब ऐसे लोगों को से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी बच्चे की मदद हो और वो आगे बढ़े। अरे खड़ा नहीं रहोगा? सर, आपके पास कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं? देखिए, हमारे पास भिवानी जिले के हर कोने से, मेरे पास गुड़गांव से भी, राजस्थान से भी और विदेश से भी यहाँ बच्चे ट्रेनिंग करके गए हैं। मुझे खुशी होती है कोई बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास आता है और वो लड़का कामयाब हो, इससे बड़ी एक कोच के लिए, एक गुरु के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास खुशी के को बयान करने। जो सर आपने बोला कि विदेशों से बच्चे आते हैं, उनके लिए अलग से कोई जैसे हॉस्टल में कोई फैसिलिटीज़ या कुछ प्राइवेट ही करते हैं वो? नहीं, वो अकोमोडेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग उनकी खुद की होती है, ट्रेनिंग फैसिलिटी हम फ्री देते हैं। हॉस्टल के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है? जो बच्चा विदेश से, वो अपनी ट्रेनिंग अपने लेवल पे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, लॉजिंग बोर्डिंग उन्हीं की तरफ से होती है। सर, माना जाता है कि बॉक्सिंग में बहुत ही महंगा गेम है, तो उसके प्रति आप क्या कहना? लेकिन बॉक्सिंग नहीं, ये बॉक्सिंग गेम महंगा नहीं है। बॉक्सिंग गेम महंगा है मेहनत के लिए। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है दिन रात, उस बॉक्सिंग में शॉर्टकट नहीं है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता है। बॉक्सिंग किसी की बपोती नहीं है, बॉक्सिंग मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। चाहे एक बार जो कोई बच्चा ओलंपिक खेले तो वही समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं किसी को, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यहाँ परिणाम बदलते रहते हैं, जो ओलंपिक खेले हैं वो भी हार जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हार जाते हैं, राज्य स्तर पर भी हार जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हार जाते हैं। लेकिन जो बच्चा मेहनत करता है, लगातार अपना टैंप बनाए रखता है, वही लड़का आगे बढ़ता है। भाजपा सरकार का कहना है कि वो खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, तो आपकी नज़र में किस प्रकार का? देखिए, भाजपा मुझे तो जो सरकार है, आज वर्तमान सरकार है, उसने खिलाड़ियों को काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी खिलाड़ी अभी सर्विस लगे हैं। इसी जिस घर में एक खिलाड़ी सर्विस लगता है, तो उसके 2-3 खिलाड़ी और यहाँ पहुँचते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो और खेल शुरू करते हैं। इससे प्रोत्साहन तो मिलता ही है। जिस अगर खिलाड़ी नौकरी लगता है, तो उसके जो जानने वाले, पहचानने वाले और खेल ज्वाइन करते हैं, इसी से खेल को बढ़ावा मिलता है। और इस सरकार में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा, अभी डी ग्रुप में 1800-2000 के करीब खिलाड़ी सर्विस लगे हैं और अन्य ग्रुपों में भी जो वैकेंसियाँ निकली हैं, उसमें भी काफ़ी खिलाड़ियों ने। सर, आप बॉक्सिंग कोच हैं, तो आप लड़कियों को कैसे ट्रेंड करते हैं, एक बार हमें झलक दिखाएंगे? बिल्कुल ऐसा है, देखिए हमारे पास यहाँ लड़के भी बहुत आते हैं, काफ़ी लड़कियाँ भी काफ़ी हैं। काम करिए भाई, खड़ा नहीं का कोई मूवमेंट के साथ बॉक्स।
अभी आपके सामने ये लड़कियां बॉक्सिंग कर रही हैं। अभी देखिए ये एक लड़की जींद से मेरे पास आई है, एक लड़की नवा राजगढ़ गांव है यहां से 12-13 किलोमीटर, वहां से प्रतिदिन यहां अभ्यास करने के लिए आती है। चलिए बेटा शाबाश, बहुत अच्छे, लेफ्ट लेफ्ट राइट गुड कोमल गुड शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश बेटी, शाबाश शाबाश शाबाश, गार्ड पकड़ के लेफ्ट नीचे जाता है, लेफ्ट नीचे नीचे शाबाश, बहुत बढ़िया अटैक, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत गार्ड पर लेफ्ट नीचे नहीं रखना, लेफ्ट नीचे तरीका बार बार शाबाश ये देखिए लड़कियां कितना मेहनत करती हैं। आज लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, चाहे वो बॉक्सिंग का गेम हो या कराटे हो, कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, आजकल लड़कियां पीछे नहीं हैं लड़कों से, ये साबित हो रहा है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं लड़कियां कितनी मेहनत कर रही हैं, जोर शोर से लगी हुई है, जी तोड़ मेहनत कर रही हैं लड़कियाँ। लड़कियां भी अपना एक अलग से मुकाम बना रही हैं, अपना स्टैंड तैयार कर रही हैं। लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं, लड़कों को दिखा रही हैं कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। वास्तव में लड़कियां आज लड़कों से कम नहीं हैं, ये आप देख रहे हैं इनकी मेहनत, इनकी लगन, कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी लगन है इनके अंदर, कितना जोश है दोनों लड़कियों में एक दूसरे की। कितने साल की ट्रेनिंग हो चुकी है? देखिए अभी ये एक डेढ़ साल से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे और इनका गेम बढ़ता जाएगा और जो इनमें वेरिएशन करनी है, जो गलतियां हैं वो ठीक करते जाएंगे और इनका कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई हो जाएगा और जिससे ये आगे मेडल भी जीतेंगे। और मेरी उम्मीद है कि भिवानी ज़िले का, हरियाणा प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही 2 वर्षों के अंदर ऊँचा करेंगे। हमने विष्णु भगवान कोच से बात की है, उनका कहना है कि अगर बेटियां बाहर नहीं निकलेगी तो कैसे वो आसमान को छुएंगी, कैसे अपनी मेहनत